अस्सलाम वालेकुम। कराची में एहतिजाज और धरनों का मौसम लौट आया। शहर कायद में जगह जगह एहतिजाज, रैलियां और धरने जारी हैं। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि बल्दियाती कवानीन के खिलाफ कराची में सिंध असम्बली के सामने जमाती इस्लामी कराची का धरना तीसरे रोज भी जारी है। धरने के शुरका ने सख्त सर्दी में रात सड़क पर गुजारी। कल बरोजे पीर से धरने में खवातीन की शिरकत का भी ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ मुनकिद होने वाले पाक सरजमीन पार्टी के जनरल वर्कर्स इजलास में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिसके मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। PSP के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल ने भी बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है। दरी असना पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट ने भी आज कराची में अपनी सियासी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकाली गईं। तमाम रैलियों के शुरका सुराब बोर्ड में जमा हुए और एक कामयाब जलसा मुनक्किद किया, जिसमें PTM के मरकजी रहनुमाओं ने भी भरपूर तरीके से शिरकत की।